डिसअपॉइंट मेरे ख्याल से नहीं करती, क्योंकि जिन्होंने चार पार्ट देखे उनको डेफिनेटली पता है कि स्टोरी क्या है, सो डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी. है मतलब जिन्होंने पहले फोर देखा उन्हें को ये समझ आएगी. मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई यार है तो पहले फोर देख के. हाँ मूवी ठीक थी, बट एक्चुअली उसका हॉरर जो पार्ट था वो अच्छा था, बट इसके जो प्रीवियस पार्ट थे वो ज्यादा बेटर थे. तो 5 आई विल गिव 3.5 और 4. 3.5 4. थैंक्स अ लॉट. मतलब फर्स्ट ऑल पार्ट इसमें इंक्लूडेड है. सो ऐसा था कि मतलब पहले तो समझ नहीं आ रहा कि क्या था, लेकिन जब इन्होंने इंटरवल के बाद स्टोरी घुमाई ना तब समझ में आया था कि फिर थोड़ा. इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट आया था जो इसके प्रीवियस पार्ट से, क्या लगता है कनेक्टेड है फिल्म? ऑफ कोर्स कनेक्टेड है. कनेक्टेड है मतलब जिन्होंने पहले फोर देखे उन्हें को ये समझ आएगी. मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई यार है तो पहले फोर देख के. हॉरर एलिमेंट कितने ऐड किए? हॉरर एलिमेंट तो है पहले फोर से पहले चार पार्ट से थोड़ा कम है, बट ठीक है. एक यू नो कि एक कनेक्टिविटी है मूवी की. सो समझ आता है कि कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, एंड लास्ट पार्ट में कहाँ छूटी थी और यहाँ जाके कैसे कनेक्टेड हुई है. कहीं फिल्म बिठा के रखती है डिसअपॉइंट का, कहीं करती है? डिसअपॉइंट मेरे ख्याल से नहीं करती, क्योंकि जिन्होंने चार पार्ट देखे उनको डेफिनेटली पता है कि स्टोरी क्या है, सो डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी. भाई आपके हिसाब से क्या? नहीं है डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक्चुअली ये था कि मतलब अगर कोई ऐसे न्यू आएगा तो उसको तो मेरे हिसाब से स्टोरी समझ में नहीं आएगी कि क्या है, कि कहाँ बात से कहाँ हो रही है. लेकिन अगर जो पूरी समझ के आएगा ये वो, तो उसके लिए ये भी एक एडवेंचरस होएगा, क्योंकि आधी स्टार्टिंग में इतना नहीं समझ आएगा, लेकिन एंड में बहुत ज्यादा मतलब समझ आ जाएगा कि वो कौन से चार पार्ट से कहाँ कहाँ से रिलेटेड है. डिसअपॉइंटेड तो नहीं है. इसमें बैकग्राउंड स्कोर काफी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हुआ है इस फिल्म के लिए. इसमें किस तरीके का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक वगैरह है इस फिल्म के हिसाब से? तो ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी है तो उस हिसाब से इतना मतलब ना ओवर है ना लो है, एज कम्पेयर टू परफेक्ट है जिस हिसाब से इनकी स्टोरी है. इस बारे में बैकग्राउंड स्कोर इनका ऐसा है कि लास्ट पार्ट में जो बैकग्राउंड था उस हिसाब से वो मूवी में थोड़ा हॉरर एलिमेंट ज़्यादा था. क्या तो लोग एंजॉय करेंगे फिल्म? एंजॉय करेंगे, मैं जैसा मैंने बोला कि जिन्होंने चार पार्ट देखे हैं वो डेफिनेटली करेंगे, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इंसिडियस 5 का चैप्टर ये थोड़ा सा लो था उससे एज़ कम्पेयर टू चार पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट फोर पार्ट्स थे उनमें थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट ज़्यादा था. इसमें इतना इसमें ठीक है कुछ आधे सीन्स हैं जो आपको जंप स्केयर कराते हैं, बट ये वो मुझे थोड़ी ही जगह पे मिले एज़ कम्पेयर टू जितना मैंने एक्सपेक्ट किया. व्हाट्स स्कोर आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3.5 और 4. सर व्हाट्स योर रेटिंग? 4. थैंक्स अ लॉट. हाँ मूवी ठीक थी, बट एक्चुअली उसका हॉरर जो पार्ट था वो अच्छा था, बट इसके जो प्रीवियस पार्ट्स थे वो ज़्यादा बेटर थे. एंड जो प्रीवियस पार्ट देखे होंगे तो ही ये वाला पार्ट समझेगा, अदरवाइज नहीं. मतलब जिन्होंने प्रीवियस पार्ट देखा है हाँ फिल्म पसंद आएगी. हाँ वरना मतलब कुछ आधे से ज़्यादा नहीं समझेगा अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो. कूल. इसका हॉरर जॉनर जो हॉरर एलिमेंट है वो कितना बेहतर बनाकर रखा है फिल्म लोगों को, कितनी वो अच्छी मेंटेन जो ये है ना हॉरर पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया है, वो बेटर है. इसके पहले की जो पिक्चर इसके पहले के जो पार्ट थे उससे काफ़ी बेहतर है या कितना? नहीं जो प्रीवियस पार्ट थे वो ज़्यादा बेटर थे, उसका हॉरर पार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन किया था. हॉरर फिल्मों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का होना बहुत जरूरी माना जाता है. इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कितना अच्छा है? ना ये इस फिल्म का बहुत ज्यादा अच्छा था. इसका बैकग्राउंड पार्ट बहुत अच्छा था, जैसे एक हॉरर कुछ फील होता है ना वैसे था, बहुत अच्छा था. क्या लोगों को फिल्म पसंद आएगी देखते वक्त? हाँ आ जाएगी, बट प्रीवियस पार्ट जरूरी है उसके लिए देखने. ओके तो फर्स्ट वो देख लीजिए. अच्छा चलो ठीक है, जाते थे 5 में से अगर स्टार पूछो तो कितने? 3.5.